दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के बंद क्यों हो गए। तो चलिए दोस्तों आपको उस दौर में ले चलते हैं जो सिक्कों का दौर था और जहां सिक्के रुपए में नहीं पैसे में रहा करते थे। 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 50 पैसे। दोस्तों इस पैसे से हम सभी की पुरानी आदि तो जुड़ी हुई है, तो इस वीडियो पर तो लाइक बनता ही है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सिक्कों के इतिहास के बारे में। दोस्तों पुराने जमाने में जब उस समय के राजाओं ने सिक्कों का चलन शुरू किया तब उन पर कोई मूल्य अंकित नहीं किया जाता था, केवल राजा का चिन्ह अंकित किया जाता था। और दोस्तों केवल एक सिक्का ही ढेरों सामान खरीदने के लिए काफी रहता था, क्योंकि उस जमाने में यह सिक्के सोने या फिर चांदी के बनाए जाते थे। दोस्तों फिर एक ऐसा समय आया जब भारत में रुपए और पैसे चलन में आए। दोस्तों अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी 1 रुपया 96 पैसे का होता था और सिक्कों में 1 पैसा 1 आना या सभी उपयोग में लाए जाते थे। फिर दोस्तों 1957 में भारत सरकार ने 1 रुपये में 100 पैसे कर दिए। हालांकि कुछ समय बाद तक भी आने के सिक्के चलन में रहे। उस समय 1 पैसे भी काफी कीमत होती थी। दोस्तों उस समय मटन 5 रुपये में 1 किलो मिलता था। हालांकि तब भी किलो को लोग शेर से ही पुकारते थे, क्योंकि उन्हें पहले ये यूनिट शेर की आदत पड़ी हुई थी। समय के साथ साथ सिक्के कई धातुओं को मिलाकर बनाए जाने लगे जो इन धातुओं के कारण थोड़े से भारी थे। दोस्तों फिर एक ऐसा समय आया जब कुछ लोगों ने इन सिक्कों को गलाकर इनमें से उन धातुओं को अलग करना शुरू कर दिया जो काफी कीमती थी, जैसे तांबा, निकल और लोहा आदि। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि इन सिक्कों को बनाने की कीमत भी उन पर अंकित मूल्य की एक बड़ी प्रतिशत थी। दोस्तों यही कारण था कि उस समय की सरकार ने सिक्के बनाने की कीमत कम करने और उन्हें गलाए जाने से बचाने के लिए उन्हें एल्यूमिनियम से बनाने का फैसला किया। लेकिन सन 2011 के आते आते वस्तुओं की कीमत इतनी बढ़ती गई और किसी भी वस्तु की कीमत अब इन सिक्कों से अदा नहीं की जा सकती थी। हाँ, पेट्रोल जैसी वस्तुओं की कीमत तय करते हुए रुपए और पैसे दोनों ही लिखे तो जाते थे, परंतु पेट्रोल आदि की कीमत अदा करते वक्त पैसों को राउंड ऑफ करके 1 रुपए के आसपास ही कर दिया जाने लगा। दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण था कि धीरे धीरे और एक एक करके सभी सिक्कों को चलन से बाहर होना पड़ा। इनमें 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के जो आखिरी बार 2011 में ढाले गए थे वे सबसे बाद चलन से बाहर हुए। परंतु एक बात आपको बता दूं, सिक्कों के संग्राहक आज के समय इन पुराने सिक्कों के बदले एक भारी भरकम रकम चुकाने को भी तैयार है। तो आपके घर में यदि आपके बड़े बूढ़ों ने ऐसे सिक्के कहीं रखे हुए हैं तो आप उन्हें बेचकर मालामाल हो सकते हैं। और 25 पैसे और 50 पैसे के 2011 में ढाले गए सिक्के आज 5-5 लाख रुपए में बिक रहे हैं।